दोस्तों वीडियो में आपके सामने है चौलाई का पौधा। और दोस्तों चौलाई का हरा साग मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पौष्टिक और फायदेमंद होता है। दोस्तों वैसे तो चौलाई की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इसकी मुख्य रूप से दो तरह की प्रजातियां ही ज़्यादा प्रचलित हैं। एक है लाल चौलाई और दूसरा है सफ़ेद चौलाई। दोस्तों लाल चौलाई के पौधे का तना लाल और इसके बीज काले होते हैं, और इसको ग्रामीण क्षेत्रों में सगौत के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सफ़ेद चौलाई के पौधे का तना हरा और इसके बीज सफ़ेद होते हैं। दोस्तों सफ़ेद चौलाई के बीजों से लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप सल्टिया बीबीसी कोटाबाग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और आपके साथ मैं हूं सुभाष भारद्वाज। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे से अपलोड होने वाली जड़ी बूटियों वाली वीडियोज आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों चौलाई की हरी सब्जी शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने वाली होती है, जिसके कारण एनीमिया की परेशानी भी दूर हो जाती है। दोस्तों चौलाई की सब्जी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाती है, और इसके औषधि गुण हड्डियों को मजबूत करते हैं। दोस्तों चौलाई प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है, और यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। बालों और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है चौलाई। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। दोस्तों उससे थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें, और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज। दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।